अली इब्राहिम सुबह सुबह मुंह हाथ धो रहा अली इब्राहिम को ना शायद की मक्खियों ने तंग किया हुआ है। ये वाश बेसन पे आती हैं, यहाँ पे आके ना पानी पीना शुरू कर देती हैं और अली इब्राहिम को काटना स्टार्ट कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका मेजबान असद महबूब सुबह सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये आज हमारा दूसरा व्लॉग है और आज है मंडे और आज का व्लॉग हम अभी स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। अली इब्राहिम, खाने का टाइम हो गया? यस, नाश्ता और ना जैसे कल था, लस्सी, सी, प्याज, उसके ऊपर मक्खन और रोटी, और मेरी रोटी भी आई पड़ी है व्यूअर्स, जैसा आप क्या आप देख सकते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। क्यों काट तो नहीं आ गई? मक्खी ना जाली पर हमको बड़ा तंग किया व्यूअर्स, लड़ाई हो गया उससे कौन जीता आपकी लड़ाई? वो तो आती है, कभी चली जाती है, ब्रेक मार दे फिर हमला कर देती है, मैं दो ना जाता फिर से चली जाती है। यार वेवर्स, हमने खाना वगैरह खा लिया है, अब अली इब्राहिम रोजाना की तरह खाना खाने के बाद लेट गए हैं और रेस्ट कर रहे हैं। अली इब्राहिम यार, आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? मम्मा ने मना किया। मम्मा ने मना किया था यार, फिर अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो पास कैसे हो गए यार? मंथली टेस्ट हो गए। अच्छा, पास हो जाओगे? फास्ट आओगे? शक्ल देखिए, अपनी शक्ल देखिए, देखिए बहुत प्यारी है, अपनी शक्ल है, अपनी तेरी खुद कर रहा है, बहुत प्यारी अपनी शक्ल। अरे अली इब्राहिम, मक्खी को आप साबुन मारने लगे थे? वाह वाह, कॉटन का सूट पहना हुआ है, कल गाँव गए थे इस वजह से लगाया होगा कॉटन का सूट। अच्छा, कजन शजन एंजॉय किया था फिर? सही, जल्दी करो फिर, हमें शादी पे भी जाना है आज व्यूअर्स, हमने शादी पे जाना है। शादी पे जाने से पहले हम अपने दोस्त से मिलवाते हैं आपको, जिसने नया नया आईफोन लिया है, और हम आपको दिखाते हैं कि उसने आईफोन कितने का लिया है और उसकी बैटरी हेल्थ वगैरह ये वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। वशीर भाई, अब आप प्यारे लग रहे हो नहीं, वैसे आप बुनियान के साथ ज्यादा प्यारे लग रहे थे यार। बुनियान के साथ वीडियो बना ली ऐसी कोई बात भी है? हम कभी अपनी भी बनाएंगे यार। आओ उधर तो खाना खाना, आओ उसके पास चलते हैं, अर्जमंद के पास। अर्जमंद ने फोन लिया ना, तो व्यूअर्स को दिखाना फोन वगैरह और उसकी बैटरी हेल्थ वगैरह। व्यूअर्स, हम अर्जमंद के घर पहुँच चुके हैं और ये सामने दरख्त वाला अर्जमंद का घर है, डी 257। भाई फिर आप रेडी हो? देखते हैं यार, अब तैयारी करते हैं आपने 12 बजे ना रेडी हो जाना है। व्यूअर्स, हम अर्जमंद के घर गए थे, अर्जमंद घर पे नहीं था, सो रहा था, घर पे था बल्कि, लेकिन वो सो रहा था, तो अर्जमंद की मोम ने कहा कि भाई अर्जमंद सो रहा है, मैंने कहा उठा दें, तो अर्जमंद की मोम ने कहा कि उसको मैं सुबह से उठा रही हूँ, नहीं उठ रहा, अगर मैं दोबारा उठाने जाऊंगी फिर भी नहीं उठेगा। मैंने फिर पूछा कब तक उठ जाएगा, उन्होंने कहा थोड़ी देर तक उठ ही जाएगा, तकरीबन घंटे तक, तो हम घंटे तक जाएंगे, अर्जमंद से पूछेंगे कि आईफोन कितने का लिया और हम आपको भी इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हवाले से। ठीक है फिर, तैयार हो जाओगे? ओके ओके जी, हो जाएंगे। मलिक साहब वाह, मुबारक हो, नया मोबाइल ले लिया है। बस यार ऐसे ऐसे कैसे भाई, इतना खर्चा क्यों कर रहे थे वे यार? यार सेकंड ईयर के बाद मैंने वैसे भी घर वालों से बात की थी भाई, आईफोन ये दिखाओ कौन सा लिया है? 11 11 11 है। हाँ। सही, कितने का आपको मिल गया? ये बस मिल गया यार, ऐसी बात नहीं बताई जाती।
चलो लाखों में बता दो। लाखों में कहाँ, नॉन पीटी है, नॉन कस्टम है, नॉन पीटी है, नॉन कस्टम नहीं है। नहीं एक ही बात होती है यार। नहीं नहीं, अर्जमंद ने मोबाइल लिया है माशाल्लाह से 11, और इसकी बैटरी हेल्थ 99 है। और कितने का लिया अर्जमंद भाई? ये 82K का लिया है। ये 82K का लिया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा मिला है। और ये नॉन पीटी है ना? नॉन पीटी है। हाँ, वहाँ पे जो पीटी अप्रूव्ड मोबाइल था उसका क्या रेट था? उसका तो 1 लाख से ऊपर, मतलब 1,40,000 तक का आपको मिल जाएगा पीटी अप्रूव, अच्छी कंडीशन में, 30-35 इस तरह मिल जाएगा। सही अर्जमंद भाई, वैसे मैंने एक नुक्स निकाला है मोबाइल का। क्या? कलर का नुक्सा यार, आप क्यों कलर में ब्लैक पसंद था सीरियसली, वरना वाइट कलर तो बहुत सारे थे। हाँ, लेकिन फिर मैंने खुद ही वाइट में ब्लैक में लिया। और जानने वाले से लिया या? हाँ भाई, यूं ही समझ लो। सही, नया प्लाजा नहीं खुला मुल्तान में, वहाँ से लिया। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपका मोबाइल आपको नसीब करे। आमीन। वीवर, जो आज हमने अर्जमंद का फ़ोन देखा है उसकी बैटरी हेल्थ 99 है, और उसने वो फ़ोन 82K का लिया है, यानी 82,000 का। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा फ़ोन मिला है उसको। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शादी पे जाने का इरादा था, तो मुबशिर अयूब ने अभी मुझे कॉल किया। मुबशिर ने कहा है कि भाई यार, मेरा थोड़ा बहुत इशू बन रहा है और मैं नहीं आ सकता शादी पे। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं नहा चुका हूँ, अब मैंने बस ड्रेस चेंज करना है और उसके बाद शादी के लिए रवाना हो जाना है। व्यूअर्स, और दूसरी बात, आज शायद मेरे साथ दूसरा दोस्त हो या तो मैं अकेला जाऊँ शादी पर, तो आपने हमारा व्लॉग आखिर तक देखना है, क्योंकि हमारे देहात के माहौल की शादी है और बहुत से शहरी लोग इस माहौल को पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वो माहौल आपको भी पसंद आएगा देहात का। तो आपने हमारा व्लॉग कंप्लीट तक देखना है। अली इब्राहिम, क्या हुआ यार, उदास क्यों बैठे हो? तो अब तो यार बड़े हो गए हो आप खिलौनों से खेलते हो, खिलौनों से खेल के। मैं तो शादी पे जा रहा हूँ, मैं तो एंजॉय करूंगा, आप तो बोर हो रहे हो यार। काश आप भी चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा मन नहीं, ज्यादा मन नहीं है शादी पे जाने का। अच्छा, तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूं और अब हम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम जा रहे हैं शादी के लिए, निकल रहे हैं। ठीक है इब्राहिम, बाय बाय, मैं जा रहा हूं। आए, दरवाजे को कुंडी लगा दो। इब्राहिम बाय बाय। जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाना। क्या बात है? आप अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूं? जरूर यार, मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा। बाय बाय, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। गुरु को 1 2 3 गो। बाय बाय अली इब्राहिम, मैं जा रहा हूं। बाय बाय। हां, अब एक किक में मारते हो? एक किक में? हां वाह, एक किक में मोटर बाइक स्टार्ट करो। 1 2 3 गो। हां व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मुबशिर अयूब तो नहीं आ सके हमारे इस सफ़र में, लेकिन हमारे बचपन के हम सफ़र आसिम, मोहम्मद आसिम भी हमारे साथ होंगे इस सफ़र में। तो आसिम साहब के हम घर गए हुए हैं, ये घर है उनका, और अभी वो आने ही वाले हैं, बल्कि आ ही गए। आसिम भाई ने हमें नसीहत किया कि व्लॉगिंग छोड़ दो यार। छोड़ दो। व्यूअर्स, ये देखें हमारे गांव का वे है, और ये नीचे नहर बह रही है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा निज़ाम है इधर हमारे गांव में, नहर निज़ाम है। और ये सारी ज़मीन है इस तरफ जिधर नहरी पानी लगता है, और इस तरफ भी सारी ज़मीन है जिधर नहरी पानी लगता है। और ये माशाल्लाह से बड़ा ही कमाल रोड है, इर्द गिर्द सारा ग्रीनरी है, ये इर्द गिर्द तोड़ तक, ये कम्प्लीट तक ये ग्रीनरी जाती है, और बड़ा कमाल ये वे है। व्यूअर्स, ये हमारे मामू का घर है जो बिल्कुल अभी तामीर हो रहा है,
और माशाल्लाह से इसके ऊपर जितने भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ, आर्किटेक्चर वगैरह ये सब कुछ जो है 2023 का है, है ना आसिम खान? आपको कैसा लगा है घर? अच्छा, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। तो अंदर से आपको दिखाते हैं, ये फर्श लग रहा है, यहाँ पे मार्बल लगेगा, अंदर जा नहीं सकते। और एक रूम यहाँ पे है, अंदर हम जा तो नहीं सकते, यहीं से आपको बता देते हैं। एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है, वो एक रूम पीछे है, और एक रूम वो वहाँ पे लास्ट में सीढ़ियों के पास है। अब ऊपर भी बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर है सेकंड फ्लोर में, और थर्ड फ्लोर हम आपको दिखाते हैं अभी। पर अब हम अंदर आ चुके हैं, ये फर्स्ट रूम है और ये सेकंड रूम है, वो वहाँ से उस वक्त खड़े होकर हम आपको बता रहे थे। अब ये थर्ड रूम है और ये फोर्थ रूम है। अब हम स्टेप से ऊपर जा रहे हैं, पे किचन होगा और ये सेकंड फ्लोर पर ना आउट व्यू देखने के लिए गैलरी है। ये फोर्थ रूम, ये फिफ्थ रूम है और ये सिक्स्थ रूम है। अब हम आपको यहाँ से फ्रंट का व्यू दिखा दें। ये यहाँ से फ्रंट का व्यू देख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो आगे भी जाके देख सकते हैं फ्रंट का व्यू। यहाँ पे कुछ स्टेप है जिनके थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं थर्ड फ्लोर में, तो आपको जाके दिखाते हैं। फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही कमाल व्यू है। आसिम, आपको एक बात बताऊँ, वो हमारी थर्मल की चिमनी है जो हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वो आपको नजर आ रही है? नजर आ रही है बिल्कुल, और वो ये कैमरे में भी दिखाई दे रही है माशाल्लाह से। ये यहाँ से तकरीबन कोई 15 से 20 या 25 किलोमीटर दूर होगा, 20 से 25 किलोमीटर दूर हमारा थर्मल। और अब हम थर्मल से सफर तय करके आए हैं, और उसकी चिमनियाँ जो है ना वो हमें क्लियर नजर आ रही हैं थर्मल की। और ये हमारे बस्ती का जो है ना व्यू है, ये सारा ओवरऑल माशाल्लाह से बहुत ही कमाल और बहुत ही प्यारा घर है। बहुत बड़े बड़े MNAs और वजीर वगैरह आते रहते हैं मामू के पास, तो उनके लिए बनवाया गया है। ये सारा बाग है, सारी हमारी बस्ती का, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मुजफ्फरगढ़ से ही आम जाते हैं। ये डेरा यहाँ पे तमीर हो रहा है, ये डेरे का फ्रंट है और वहाँ पे डेरे का गेट है। ये यहाँ पे आगे तो वो आ गया ना, दरख्त आ गया है, और ये घर का व्यू है। ये यहाँ पे दीवार है घर, और जो घर को और डेरे को आपस से ना जुदा कर रही है। आसिम खान, अब नीचे कैसे जाएं? ऐसे टप्पा मारते जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ से अगर टप्पा मारेंगे ना, जल्दी नीचे नहीं पहुंचेंगे, जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे अल्लाह के पास। चलें यार आसिम खान, चलो यार। ऐसा भी लगा हमारे होम का ओवरऑल लुक, और हमारे गांव में जो तामीरात वगैरह बहुत पसंद है, बहुत अच्छा था। जो है ना ये बैक व्यू है घर का, और ये डेरे का जो है ना ये व्यू है, ये अभी तामीर हो रहे हैं डेरे, और यहाँ से ना अटैच है ये उसके साथ। इधर आसिम, यहाँ से आ जाओ यार, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये अटैच है डेरे के साथ, और ये माशाल्लाह से व्यू है। यहाँ पे एक रूम है और ये दूसरा रूम है, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। देखें आप, ये जैसे शाही महल नहीं होता अंदर से, ये फ्रंट है, फ्रंट आउट। ये शादी वाली जगह पे पहुंच गए हैं, और ये नौजवानों के साथ बैठे हुए हैं हम, वीडियो बनाएंगे। किसी दौर में आसिम खान हम भी इनके जैसे थे, है ना? हाँ, किसी दौर में थे, वो दरख्तों पे देखे चढ़ते थे, हाँ एंजॉय करते थे ऐसे। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा निज़ाम है, और ये वो वाला रोड है जिसके ऊपर से हम आए हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है, हम कैमरे की नज़र में तो नहीं लेके आ सके वो माहौल, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कैमरा मैन तो नहीं था।
ये हमारी बाइक खड़ी है और सामने हमारा घर है और हम अपने छप्पर के नीचे बैठे। वीवर, ये हमारी थर्मल की चिमनी है जो कि हम उस वक्त आपको बिल्डिंग से दिखा रहे थे, और उस वक्त आप ये वाला सीन, इनका सीन जो है ना, तकरीबन कोई 25 से 20 किलोमीटर की दूरी से देख रहे थे, लेकिन अब आप वो वाला सीन तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर की दूरी से देख रहे हैं। वीवर्स, अब हम थके हारे आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए, थर्मल कॉलोनी पहुंच गए, और अब हम अपने दोस्त मेहरबान खान के पास आए हुए हैं। यहाँ से हम दोस्त के पास से लिमका पी रहे हैं, उसके बाद हमारा यहीं पे व्लॉग का हो रहा है एंड। तो आप हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी।